नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का गणित जिसका टॉपिक है आपका फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज 5.6 लेके चल रहे हैं। प्राचल क्या हैं? जैसे अगर अपन दो चर दिए हुए हैं उसमें तीसरा चर आ जाए तो तीसरे चर को अपन प्राचल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलो एक्स और वाई दिया हुआ है टी इसमें है तो टी इसमें प्राचल कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका टी के सापेक्ष डी वाई अपॉन एक्स निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, टी के सापेक्ष का अवकलन करेंगे। तो पहले अपन क्या निकाल लें, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेते हैं। टी के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो डी अपॉन टी टू ए टी स्क्वायर, और उसमें एक्स की घात एन करनी है फॉलो हो जाएगा एंड टी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन टू टी। तो टू जी आम आ जाएगी तो टू दो दूनी चार, 480 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 480 डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। अब अपन क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी टी, तो इसमें क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी और वाई क्या दिया हुआ है ए टी की घात चार। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे क्या हो जाएगा 4t3, तो यानी 4at3 हो गया। ये हो गया अपना डी वाई अपॉन डी टी। अब अपन क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी टी में डी एक्स अपॉन डी टी का भाग दे देते हैं, ठीक है ना। डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा 4at3 और डी एक्स अपॉन डी टी क्या निकला था, डी एक्स अपॉन डी टी निकला था 4at। 4 से 4 क्रॉस हो गया, ए से एक क्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या आ जाएगा आपका 4at आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया 4at आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका दूसरा प्रश्न है, ठीक है ना, एक्स बराबर ए कॉस थीटा दिया हुआ है और वाई बराबर बी कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं अपन। दूसरा प्रश्न क्या दिया है आपको, एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर क्या दिया है बी कॉस थीटा। अब आपसे कहा जाए कि डी वाई अपॉन डी एक्स याद करो, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना था। इसमें थीटा प्राचल हो जाएगा तो थीटा के अनुदिश अपन क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो अपन एक्स का थीटा के अनुदिश क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि अवकलन निकालेंगे डी अपॉन डी थीटा ए कॉस थीटा। कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है मालूम है, माइनस साइन थीटा होता है। ये आपको ध्यान मांग में होगा, याद होगा, ठीक है। तो जी आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल आए। अब अपन क्या निकालना है, बाई का निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लीजिए। डी वाई अपॉन डी थीटा तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी थीटा ए कॉस थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये तो बी है ना, तो बी लिखेंगे ना यहाँ, तो बी कॉस थीटा, तो बी क्या, तो बी तो अच्छा है, तो बी रह जाएगा, कॉस का क्या होगा माइनस ये साइन थीटा, ठीक है। ये डी वाई अपॉन डी थीटा निकला है, अपन क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल के चलना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या करो, डी वाई अपॉन डी थीटा में डी एक्स अपॉन डी थीटा का भाग दे देंगे, ठीक है। डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हो गया माइनस बी साइन थीटा, और ये क्या हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या हो गया माइनस ए साइन थीटा हो गया, ठीक है। साइन से साइन क्रॉस हो गया, माइनस से माइनस, यानी बी अपॉन ए क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। मैं आपको लास्ट प्रश्नों बता रहा हूँ, 11वां प्रश्न वो देख लीजिए 5.6 का। देखिए 5.6 का 11वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि x बराबर अंडर रूट
ए की पावर साइन इनवर्स टी दिया हुआ है और बाई बराबर क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ए की पावर कॉज इनवर्स टी दिया हुआ है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, दर्शाना है, सो डैट दर्शाइए, क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स तो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, पहले मल्टीप्लाई कर लेना एक्स इंटू वाई, ठीक है, अंडर रूट ए की घात साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए कॉज इनवर्स टी। अब इसमें मालूम है कि अंडर रूट एक बार लगा देंगे और ये गुणा हो जाएगा अंदर, ए की पावर क्या होगी, साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉज इनवर्स टी। ठीक है, अपने मालूम है कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, ए की पावर क्या होगी, साइन इनवर्स टी प्लस ए की पावर में ही चल रहा है ये सब, कॉज इनवर्स टी। ठीक है ना, अब आपको त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, नहीं आया याद आ रहा है तो सुन लो, साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स की योग जो होता है पाई अपॉन टू होता है, तो ए की पावर क्या हो जाएगी आपकी, पाई अपॉन टू हो जाएगी। ठीक है ना, तो जी हो गया आपका अचर आ गया, एक्स इंटू बाय का जो मल्टीप्लाई अचर के बराबर आ गया। ठीक है ना, अब इसका क्या करना है, को डिफ्रेंशिएशन करके चलना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करके चलना है। तो उसमें आपको गुणा का नियम फॉलो करना है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन है, पहला फलन तो एक्स है दूसरा फलन वाई है तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन तो वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स, एक्स का कर देंगे तो दूसरा फलन आपको, पहला फलन तो एक्स ही था ना। अब इसका जी तो अचर है, अचर का डिफ्रेंशिएशन मालूम है क्या होता है, जीरो, ए की पावर पाई अपॉन टू की पावर अंडर रूट है तो ये अचर हो जाएगा, अचर का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाता है। ठीक है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और जो हो जाएगा वन, यानी कि बाई रह जाएगा और जो हो जाएगा जीरो। ठीक है, पक्षांतरण कर दें, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बाई, बाई को यहाँ ले आए तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, तो यहाँ के एक्स का पक्षांतरण कर लो ना, माइनस बाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जी आपका सो डेट करना था तो सर दर्शा दी अपन ने। ठीक है ना, तो जी आप 5.6 का अभ्यास करना, अगर कोई समस्या आए तो हमसे क्लास में कक्षा में आके संपर्क कर सकती हैं। अगले वीडियो में आपको मैं द्वितीय कोटि के अवकलज के बारे में समझाऊंगा। ठीक है ना।